अस्सलाम वालेकुम। आज हम TET एग्ज़ाम के तहत उर्दू इस मज़मून में चंद सवालत और उसके जवाब देखेंगे जो आपको TET इम्तिहान में बहुत कारामत साबित हो सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में हमने कई सवालत और उसके जवाब देखे हैं जिसको आपने अच्छी तरह से देखा है। इसमें भी हम नज़म, गज़ल, मसनवी, शायर, अदीब के बारे में सवालत और उसके जवाब देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, इंशा की किस किताब में एक भी नुक्ता नहीं है, यानी इंशा की ऐसी किताब जिसमें एक भी नुक्ता नहीं है, उसका सही जवाब है सिल्के गौहर। यानी इंशा की सिल्के गौहर एक ऐसी किताब है जिसमें पूरे किताब में एक भी नुक्ता नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, रेख्ती का शायर किसे कहा जाता है, यानी रेख्ती का शायर किसे कहा जाता है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है सादत अली यार खान रंगीन, यानी सादत अली यार खान रंगीन को रेख्ती का शायर कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है, यानी जो गुलजार नसीम है वो किसकी तख्लीक है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है दिया शंकर नसीम, यानी दिया शंकर नसीम ने गुलजार नसीम की तख्लीक की है। अब यहाँ पर सवाल है, उर्दू के आसमान शायरी पर नज़ीर तन्हा दरख्शां सितारा है, ये किसने कहा है, यानी उर्दू के आसमानी शायरी पर नज़ीर तन्हा दरख्शां सितारा है, ये किसने कहा है। यहाँ पर सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद, यानी कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि नज़ीर तन्हा दरख्शां सितारा है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, बहादुर शाह जफर ने खाखानी हिंद का खिताब किसे दिया था, यानी बहादुर शाह सफर ने खाखानी हिंद का खिताब किसे दिया था। यहाँ पर सही जवाब है जौक, यानी जौक को खिताब दिया था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, शाह बहादुर शाह जफर ने शाह नसीर और मोहम्मद इब्राहिम जौक के बाद किसे अपना उस्ताद बनाया। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है गालिब, यानी बहादुर शाह सफर ने गालिब को, ये दोनों के बाद गालिब को अपना उस्ताद बनाया था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, गालिब को मुग़ल दरबार से कौन सा खिताब मिला, यानी गालिब को मुग़ल दरबार से कौन सा खिताब मिला। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है नजमुद्दौला दुबेरुल मुल्क, यानी नजबुल दौला और दुबेरुल मुल्क का खिताब से नवाजा गया था। यहाँ पर सवाल दिया गया है, लिहाफ किसका अफसाना है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है अजमत चुगताई, यानी अजमत चुगताई ने ये अफसाना लिखा था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, चौपाल किसका अफसानवी मजमुआ है, यानी जो चौपाल है वो किसने लिखा है, अफसानी मजमुआ है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है अहमद नदीम कासमी, यानी अहमद नदीम कासमी का ये अफसानवी मजमुआ है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, लैला के खतूत और मजनू की डायरी किसकी नावेल है, यानी लैला के खतूत और मजनू की डायरी किसके नावेल है। ये यहाँ पर सही जवाब दिया गया है खाजी अब्दुल गफ्फार, यानी खाजी अब्दुल गफ्फार के लैला के खतूत और मजनू की डायरी के डायरी नावेल लिखे थे। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, जैल में से ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना कौन सा है, यानी जो जैल में जो चार अफसाने दिए गए हैं इनमें से ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है अबाबिल, यानी अबाबिल जो अफसाना है वो किसने लिखा था, ख्वाजा अहमद अब्बास ने। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम किस शायर की नस्म का उन्वान है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम किस शायर की नस्म का उन्वान है। यहाँ पर सही जवाब है जोश मिले आबादी, यानी जोश मिले आबादी की नस्म का उन्वान ईस्ट इंडिया कंपनी है। यहाँ पर सवाल दिया गया है मक्का किस उर्दू अदब की जाय पैदाइश है, यानी मक्का में किसकी पैदाइश हुई थी, ऐसे कौन से अदीब है जिसकी पैदाइश मक्का में हुई थी। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, यानी अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई थी। यहाँ पर सवाल दिया गया है किस उर्दू शायर को रंगून में नज़रबंद किया गया था, यानी ऐसे कौन से शायर है जिसको रंगून में नज़रबंद किया गया था। उसका सही जवाब है जफर, यानी बहादुर शाह जफर को रंगून में नज़रबंद किया गया था। यहाँ पर सवाल दिया गया है उर्दू टाइप पर शाये होने वाला सबसे पहला अखबार कौन सा है, यानी उर्दू टाइप पर शाये होने वाला सबसे पहला अखबार कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब है हमदर्द, यानी हमदर्द एक ऐसा पहला अखबार है जो उर्दू टाइप पर शाये हुआ था। अब ये यहाँ पर सवाल दिया गया है एक तवायफ का खत पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जीना के नाम किसका अफसाना है, यानी एक तवायफ का खत पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जीना के नाम किसका अफसाना है। यहाँ पर सही जवाब है कृष्ण चंद्र, यानी कृष्ण चंद्र का है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है जायल का शेर किसने किसका है, यानी जो जायल में जो शेर दिया गया है वो किसका है। दिल शहीद राह दामा ना हुआ था सो हुआ, दिले शहीद राह दामा ना हुआ था सो हुआ, टुकड़े टुकड़े जो गिरेबा ना हुआ था सो हुआ। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है आतिश, यानी ये शेर आतिश का है। यहाँ पर सवाल दिया गया है जैल का शेर किसका है, यानी जो जैल में जो शेर दिया गया है वो किसका है। नशा इश्क का गिर जर्फ दिया था मुझको, नशा इश्क का गिर जर्फ दिया था मुझको, उम्र का तंग ना पैमाना बनाया था, उम्र का तंग ना पैमाना बनाया था। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है जफर। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ किसका मिसरा है, यानी मौला ने सर झुका कर कहा मैं हुसैन हूँ किसका मिसरा है। यहाँ पर सही जवाब है जोश, यानी ये जोश का मिसरा है। यहाँ पर सवाल दिया गया है निगार किसकी जारी किया था, निगार किसने जारी किया था, यानी जो निगार है वो किसने जारी किया था। यहाँ पर सही जवाब है नियाज फतेहपुरी, यानी नियाज फतेहपुरी ने निगार को जारी किया था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे, यहाँ पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद यानी जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है वो किसके शागिर्द थे। यहाँ पर सही जवाब है शाह नसीर, यानी शाह नसीर के शागिर्द थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है बाग व बहार कहाँ लिखी गई, यानी जो बाग व बहार है वो कहाँ लिखी गई है। यहाँ पर सही जवाब है कलकत्ता, यानी बाग व बहार कलकत्ता में लिखी गई है। यहाँ पर सवाल दिया गया है अफकार गालिब का मुसन्निफ कौन है, यानी जो अफकार गालिब का मुसन्निफ कौन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है खलीफा अब्दुल हकीम, यानी खलीफा अब्दुल हकीम ने अफकार गालिब लिखी है। यहाँ पर सवाल दिया गया है मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है, यानी जो मगरबी हिंदी की जो बोलियाँ हैं उसमें ये यहाँ पे जो बोलियाँ दी गई है इसमें कौन सी शामिल नहीं है। यहाँ पे खुनूजी, यानी जो खुनूजी की जो बोली है वो शामिल नहीं की गई है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है तुलो इस्लाम किसकी नज्म है, तुलो इस्लाम किसकी नज्म है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है इकबाल, यानी तुलो इस्लाम इकबाल की
नज्म है। पर सवाल दिया गया है दास्तान की वो खसूसियत जो इसे नावल से अलग करती है, यानी दास्तान की ऐसी क्या खसूसियत है जो नावल से अलग करती है। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है फौक फित्री अनासिर, यानी फौक फित्री अनासिर के वजह से वो नावल से अलग करती है, यानी दास्तान को नावल से अलग करती है। यहाँ पर सवाल दिया गया है अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था, यानी अदब बराए जिंदगी किसका नुक्ते नजर था। तो यहाँ पर सही जवाब है तरक्की पसंद तहरीक, यानी तरक्की पसंद तहरीक का ये नुक्ते नजर था अदब बराए जिंदगी। यहाँ पर सवाल दिया गया है मसनवी इस नज्म को कहते हैं जिसमें, यानी मसनवी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है कोई वाकया या जज्बा तसल्सुल के साथ बयान किया गया हो, यानी कोई वाकया या जज्बा, कोई वाकया या जज्बा तसल्सुल के साथ यानी एक साथ स्टेप बाय स्टेप बयान किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, मसनवी नज़म कहते हैं। मसनवी इस नज़म को कहते हैं, किस नज़म को, जिसमें कोई वाकया या जज्बा तसल्सुल के साथ बयान किया गया हो। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है दबस्ताने दिल्ली का मुसन्निफ कौन है, यानी दबस्ताने दिल्ली का मुसन्निफ कौन है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है नूरुल हसन हाशमी, यानी नूरुल हसन हाशमी ने दबस्ताने दिल्ली लिखी थी। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है फसाना अजायब का सन तसनीफ, यानी फसाना अजायब का सन तसनीफ क्या है, यानी किस सन में लिखी गई थी क्या फसाने अजायब। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है 1828, यानी 1828 में फसाने अजायब लिखी गई थी। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है, यानी जो उर्दू है वो किस जबान का है, यानी किस जबान से लिया गया है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है तुर्की, यानी तुर्की की जबान से और उर्दू लफ्ज़ लिया गया है। हमारे इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।